हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट ऑल वीजीआई मेंबर्स ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ 12th फाउंडेशन डे ऑफ वीजीआई ग्वालियर। द विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इंदौर एंड ग्वालियर इज वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस दैट हैव एम्बार्क्ड ऑन अ मिशन विद zeal to imbibe a culture of providing quality education to the learners, thereby leading them to the pinnacle of success. Our chairman, Sri R.S. Rathore sir, the founder of Vikrant Group of Institutions, an engineer by profession, who had a dream of setting up a world-class educational institute in Madhya Pradesh. He, along with like-minded academicians, took the leap to set up VGI Indore and Gwalior for shaping up of young minds through quality education. Now I would take this opportunity to welcome our respected chairman, Sri Rakesh Rathore sir, vice chairman, Srimati Meena Singh Rathore ma'am, group director, Satyanarayan sir, managing director, Nitin Tomar sir, secretary, Sri Vikrant Singh Rathore sir, treasurer Indore, Garima ma'am, treasurer, Gwalior, Gunjan Rathore ma'am, and all respected principals and deans, faculties, staff members, students, I also welcome you, and all other connected to this post-webinar junoon. Now I would like to welcome our distinguished guest speaker this beautiful Sunday morning. Jeet ki khatir bas junoon chahiye, jisme ubal ho, aisa khoon chahiye. Zameen se jude har dil aziz, behad milansar aur sahaj vyaktitv ke dhani, रेसलिंग यानी कि कुश्ती में भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले, दो गोल्ड मेडलिस्ट विनर कॉमनवेल्थ गेम्स में, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हमारे अपने श्री कृपा शंकर बिश्नोई सर। सर, विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के स्पोर्ट्स जुनून में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आदरणीय चेयरमैन सर श्री राकेश सिंह राठौर सर हमारे बीच मौजूद है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे अपने आशीर्वचन से इस प्रोग्राम का शुभारंभ करें। श्री राकेश राठौर सर। थैंक यू सुभाष। सबसे पहले तो मैं आज के श्री कृपाशंकर बिश्नोई, इनके बारे में सभी लोग बहुत कुछ जानते हैं, ये अपने पहचान के मोहताज नहीं है और न केवल भारत का लेकिन मध्य प्रदेश का नाम बहुत गौरव से इनके नाम से लिया जाता है। और दंगल के एक महानायक थे ये, जिसमें कि मुझे बताया गया, मुझे पता भी है कि दंगल के नायक श्री आमिर खान साहब ने आपके पैर छू करके आशीर्वाद लिया था, गुरु माना था। ऐसे शख्सियत को विक्रांत परिवार में आज पाकर के हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। श्री कृपा शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप हमारे समूह के सभी शिक्षक और सभी युवा साथियों के साथ में हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी हैं आप। और भारतवर्ष में या दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने में आपको कितना जुझारूपन रहा होगा, कितना जुनून रहा होगा। इन्होंने नाम भी दिया स्पोर्ट जुनून का, तो वो जुनून आपका जो है आज निश्चित ही हमारे सभी युवा साथियों को एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा, भले ही वो कुश्ती के क्षेत्र में हो या अन्य किसी के क्षेत्र में भी हो। जुनून की आवश्यकता बहुत पहले होती है, सर्वप्रथम जुनून ही जगाना पड़ता है। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, अपने सभी साथियों से, युवा दोस्तों से, अपने छात्र छात्राओं से आग्रह करूंगा कि बहुत तल्लीनता से सुने श्री कृपा शंकर जी को और उनके अनुभव के बारे में उनसे प्रश्न भी करें, ताकि आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा और आपके जीवन पथ के लिए बहुत आवश्यक होगा इनके अपने अनुभव और जुझारूपन। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर, शुक्रिया आपके आशीर्वाद वचन के लिए। दोस्तों, एक बात पक्की है कि श्री श्री कृपाशंकर सर को का इंट्रोडक्शन देना ऐसा होता है जैसे कि एक सूरज को समझ लीजिए, सूरज को हम रोशनी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये हिमाकत जरूर करूंगा।
जुनून हमने नाम दिया है बिकॉज हम जो भी हिस्ट्री जाएं कृपा सर की, तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत जुनून से, शिद्दत से उन्होंने अपना ओवरऑल पूरा समय बिताएगा कुश्ती को, समर्पित करा है जीवन अपना कुश्ती के लिए। सर वॉज बॉर्न ऑन 5th of August 1977 और हमारे मध्य प्रदेश की पैदाइश हैगी इनकी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इनका महू से बहुत ज्यादा संपर्क रहा है। ही हैज स्पेंट हिज इनिशियल डेज ऑफ लाइफ इन टीचर्स कॉलोनी महू एंड वॉज अ स्टूडेंट ऑफ राजेश्वर विद्यालय। ही हैड लर्न द बेसिक मूव ऑफ रेसलिंग इन द रेसलिंग अरीनाज ऑफ महू। He had participated in 53 international wrestling competitions and by giving his excellent performance has won 11 golds, 8 silver and 5 bronze medals, which in itself is a great achievement. Sir won 2 gold in the Commonwealth World Wrestling Championship organized in 2005 in Cape Town, Africa, in both freestyle and Greco-Roman style. In fact, he is the only wrestler in the world jinhone do swarn padak ek hi wrestling ke competition mein do different styles mein jeete hain. Wo apne aap mein ek inka world record hai jo aaj tak koi dusra dohra nahi saka hai. He has a super hat trick by winning 3 international gold medal in SAF games 95, 99, 2004. Sir has represented 4 times in Olympic qualifying tournament, which in itself is a big record. In the year 94, he was awarded the greatest sports award of MP government, the Vikram Award. In the year 2000, the government of India granted him the most prestigious and coveted award for exemplary performance in sports, the Arjun Award by the President of India. His coaching and guidance greatly contributed towards Sakshi Malik winning the Olympic bronze medal in World Wrestling Championship. In the year 2015, he was contacted by Sri Amir Khan for training of the entire crew of film Dangal. Thus, the journey of Bollywood began for him. Film Dangal became one of the greatest blockbusters of all times, not only in India, but internationally. Ab aur samay zaya kare bina main guftugu ka daur hai. Sir, main aapse puchna chahunga, Mahu se aapka rishta kab aur kaise raha hai? Because hum log thoda aas paas hain, to isliye main Mahu ke bare mein jankari chahunga ki bachpan mein aapka Mahu ka rishta, तो सर उसके बारे में कुछ बताएं हमें। सुभाष जी, पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अवसर दिया यहाँ जुड़कर युवाओं तक बात पहुंचाने के लिए, और खेलों में इंटरेस्ट लिया जा रहा है, इस बात की बेहद खुशी है। बचपन से ही मैं महू में रहा हूँ, टीचर्स कॉलोनी महू के अंदर बहुत ही अच्छी कॉलोनी है, वहां से हम जाते थे राजेश्वर विद्यालय पढ़ने के लिए। तो मैं वैसे रहने वाला खंडवा के पास सोनखेड़ी गांव है, खंडवा जिले में पड़ता है, तहसील हरसूद लगता है, तो काफी छोटा गांव है। लेकिन मेरे चाचा जी को बड़ा शौक था कुश्ती में, और वो महू में रहते थे टीचर्स कॉलोनी में। उन्होंने एक अखाड़ा बनाया कि उनको कुश्ती का शौक था, वो खुद एक पहलवान है, मध्य प्रदेश केसरी का उन्होंने खिताब जीत रखा था। तो वो चाहते थे कि मैं ऐसी फौज तैयार करूं जो देश का नाम रोशन करे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो आपको तो पता है कि स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा तपस्या करनी पड़ती है, और खासकर कुश्ती जैसे खेल में, जहां पर जिस दिशा में आपका जॉइंट नहीं मुड़ता है उस दिशा में खिलाड़ी मोड़ता है, ताकि उसको उसकी पकड़, विपक्षी पहलवान की पकड़ ढीली पड़े और एक विशेष अवस्था में गिराने के अंक अर्जित किए जा सके। तो क्योंकि कोई साजो सामान बीच में होता नहीं है, एक दूसरे का शरीर ही साजो सामान है, एक दूसरे की मसल्स के साथ खेलना पड़ता है, बीच में कुछ साजो सामान होता नहीं है। तो चाचा जी ने जब अखाड़ा शुरू किया मऊ के अंदर, तो वहां पर पहलवान आते थे, अगर उनसे कड़ी तपस्या या अच्छी मेहनत कर दें तो उनकी रिकवरी नहीं होती थी, और वो 4 दिन के लिए गायब हो जाते थे, फिर आ जाते थे। तो कंटिन्यूटी मस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी खेल में या किसी भी चीज में। आप सफल होना चाहते हैं तो पागलों की तरह उसका पीछा करो और लगे रहो, जिद और जुनून होना बेहद जरूरी है।
जब वो गांव गए तो मैं छोटा था, तो मैं बहुत शरारती था गांव में। मैं अगर कोई मेरी तरफ देख भी लेता था तो मैं फत्तर मार के उसका सर जरूर फोड़ता था, इतना बदतमीजी करता था मैं। तो माँ पिताजी सब परेशान थे, लेकिन मेरे पिताजी ने इस एनर्जी को कुश्ती में डाइवर्ट कर दिया। वो मेरे को मऊ टीचर्स कॉलोनी में ले आए, और टीचर्स कॉलोनी में लाने के पश्चात मैं यहाँ पे भी वो हरकत करने लगा, जैसे छत के ऊपर लाल मिट्टी का अखाड़ा बना रखा था। तो टीचर्स कॉलोनी में जो सभ्य लोग रहते थे वो झाड़ू निकालते थे, फिर मैं उनको पत्थर मार के उनका लाल मिट्टी से उनका वो आंगन खराब कर देना, किसी से भी लड़ लेना। फिर चाचा जी ने करा मेरी जो है ना ट्रेनिंग का जो स्तर बढ़ा दिया उन्होंने, कि ये ट्रेनिंग ज्यादा कराएंगे जब ये थकेगा। तो ट्रेनिंग करना सुबह 4 बजे से 7 बजे तक, फिर राजेश्वर विद्यालय जाना, 1:30-2 बजे स्कूल से आना, थोड़ा सा खा पी के थोड़ा रेस्ट करना, फिर 3 बजे फिर ट्यूशन चले जाना, 4:30 ट्यूशन से आना, और फिर ट्रेनिंग करना, तो शेड्यूल 8 बज जाते थे। तो एक उन्होंने एनर्जी को उस तरह से डाइवर्ट कर दिया, और फिर एक जगह मैं जीत गया 12 साल वाली कुश्ती में। तो वहां से बहुत बड़ा बदलाव आया मेरे जीवन में, जहां पर 12 साल की कुश्ती का आयोजन किया जा रहा था गाजियाबाद में, और परवेश दत्त और शंभुनाथ दो पहलवान थे जो बहुत ही फेमस थे उस वेट कैटेगरी के, और वो पूर्व चैंपियन भी थे। लेकिन मुझे नहीं पता था परवेश दत्त और शंभुनाथ कौन है, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था। तो जब उनसे कुश्ती आई तो सब लोग बात करे शंभुनाथ परवेश दत्त अच्छे हैं शंभुनाथ, और मैं उनको यानी मेरे ग्रुप में ही आ गए, और ओके सभी ये बात कर रहे थे कि वे पहलवान ही फर्स्ट सेकंड आने हैं, तो और कोई नहीं आना है वे आने। लेकिन उन दोनों को मैंने एक के बाद एक हराया, और वहां मैं पहला स्थान मैंने अर्जित किया। गांव गया मैं अपने, तो गांव के बस स्टैंड पे मेरी माँ और मेरे पिताजी हाथ में फूल लिए खड़े हैं, और छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा कर रखा है। तो मैं ना अभिभूत हो गया कि यार ऐसा करने से, इस तरह जीतने से इस तरह यानी वाहवाही मिलती है। तो ये मेरा बदलाव आया, नहीं तो हर कोई पीटता था गांव में, तो गलत गलती करी और फिर मारा पीटा। तो वहां से मेरे को काफी यानी प्रोत्साहन मिला, और एक जहन में बदलाव आया कि अगर मैं सो भी रहा हूं और कोई मेहमान आया तो मेरे पिताजी मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो ये मैंने पल वहां महसूस किया कि ओहो, तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि अप्रिशिएट भी करें बच्चों को, कहीं अच्छा बेहतर काम करें तो निश्चित रूप से उनके कान और आंखें और ये सब आपकी तरफ होता है। अगर वो सो भी रहे हैं तो आपकी बात सुन रहे हैं, तो उनकी बड़ाई करना भी बेहद जरूरी है। तो वहां से स्कूल मेरा का आपका बदलाव आया। एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? स्कूल राजेश्वर विद्यालय का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? राजेश्वर विद्यालय ने बहुत, देखो एक राजेश्वर विद्यालय एक कहते ना कि एक पढ़ाकू स्कूल है, तो हमें हमें नींद आती थी, सुबह जल्दी उठते थे, प्रैक्टिस करते थे। लेकिन मैं बताऊं कि काफी टीचर्स और मास्टरों ने काफी मदद की है। स्पोर्ट्स टीचर गंगाराम सर थे, और उसके बाद अगर 5वीं तक की बात करें, 5th क्लास तक की, तो पप्पा बहन जी वहां की इंचार्ज थी, जो हाथ में राम प्यारी रखती थी, और उनसे उनसे बड़ा स्नेह था। यानी उन्होंने एक बार मेरे को सजा दी, मेरे को याद है कि हम बैठक दंड बैठक तो मारते ही थे, तो उन्होंने बोला कि भाई पहलवान लेट क्यों आया तू क्लास में, तो पकड़ के और मेरे को मारे, और फिर हाथ खींच के फिर यहाँ पीछे बैक पे वो राम प्यारी से मारते थे, बोले मेरी राम प्यारी लाओ। तो मैंने बोला मैडम मारो मत मेरे को, चाहे और कोई सजा दे दो। तो बोले फिर बैठक मार। अच्छा, बैठक मारने का बोला, ये तो मेरा पसंदीदा काम बोल दिया उन्होंने। तो मैं बैठक मारने लग गया, तो 60 हो गए, 70 हो गए, एक आम बच्चा जो 4थी क्लास या 5वीं क्लास में पढ़ता वो 60-70 नहीं मार सकता, और हम बिल्कुल मारते थे 500-600 बैठक मारते थे। तो मैं कम से कम 100 हो गए, पसीने से पूरा नहा गया, पूरी ड्रेस मेरी पसीने में हो गई, और वो ना वो मना करे, और वो घबरा जरूर गई मैडम कि ओ हो इसको मैंने बोल के गलती। फिर बोले ओ रुक जा रुक जा रुक जा, फिर रुक जा। तो एक जुनून देखा उन्होंने, और फिर वो मेरे को स्पोर्ट्स के लिए टाइम देने लगी। तो ये प्रेम होता है, एक मास्टर भी पहचानता है कि किस खिलाड़ी को कितना टाइम दे। फिर फादर मैथ्यू थे वहां पर, उनका वो बड़े सख्त थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे को देखते हुए नर्म पड़ जाते थे कि ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर मैं मेडल जीता, 7वीं में था, 8वीं में था। जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीत के आया तो स्टेज पे खड़ा करके सम्मानित करते थे, बोलते थे एक्सपीरियंस। भूगोल भूगोल का आप बता रहे थे, भूगोल वाली बात बताइए, भूगोल के टीचर क्या करते थे आपको चार्ट लगा के? अच्छा के टीचर चार्ट लगा के देखो वो बताते थे कि ये नक्शा देखो, भारत का दिल्ली जो राजधानी है ये है, और
कनाडा का जो अल्बा शहर है जो टोरंटो के पास है, अब बाकी ये पटेल बताएगा। पटेल बताओ क्या क्या हुआ था रास्ते में, कैसे कैसे चैन हुआ, शुरू वहां से करो। तो यानी कि 2-3 दिन में ही क्लास लेता था, तो मैं क्लास लेता था, मेरे खड़ा कर देते थे, इतना इंटरेस्ट आता था। और वो सर इसलिए खड़ा करते थे क्योंकि उस समय तो पता नहीं था, लेकिन अब जाके पता चला कि उससे दूसरे बच्चे बड़े मोटिवेट होते थे और उनको भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती थी, और वो बात बड़ी गंभीरता से सुनते थे, और मेरे को बताने में बड़ा मजा आता था क्योंकि मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। तो इस तरह की कहानी, बहुत बहुत लंबी चौड़ी सुंदर, कहानी, अगर वो मैं बयां करूंगा तो शायद ये क्लास के लिए कम समय रहेगा। अंतरराष्ट्रीय मैच आपने कब जो मतलब जो प्ले करा, और उसका तो रिस्पांस क्या रहा, क्या रिजल्ट रहा पहले मैच का? देखिए, मैं जब 12 साल वाली कुश्ती जीता था, सबसे पहले जब 12 साल की जीता था, आपको बता ही दिया है कि मैं जीता, तो मुझे सब दूर से शाबाशी मिलने लगी और मेरी एक इज्जत होने लग गई कि भाई ठीक है, कुश्ती में कि कृपा जीता, अच्छा कृपा जीता, तो ये सुनना मेरे को बेहद अच्छा लगता था। और फिर उसके बाद मेरे में और इंटरेस्ट जागा नहीं, तो फिर मेरे को इन चीजों से किसी से शौक नहीं था, कुश्ती कश्ती से लेना देना नहीं था, मस्ती करना, परेशान करना, लोगों को दुखी करना, लड़ाई झगड़ा कर लेना, लेकिन उस एनर्जी को मेरे को डाइवर्ट किया चाचा जी ने। तो 1989 में पहली बार जब अंडर 16, जब मैं 12-13 साल का ही था और मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया था, और मैंने अंडर 16 की एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, और फाइनल में, जैसे कहते हैं ना कि पहला प्यार कभी बुलाया नहीं जाता, तो पहले ही कुश्ती जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो गोल्ड मेडल जीता, और फाइनल मुकाबला ईरान के, शक्तिशाली देश है ईरान कुश्ती के उनके अंदर, वहां के बैट्समैन केडी बहुत केडी प्रखर मोहम्मद से मेरा मुकाबला था, और थे। जब मैंने उसको 8-1 अंक, जो कुश्ती में एक बहुत बड़ा मार्जन होता है, उससे मैंने पटकनी दी और गोल्ड मेडल जीता। उस समय दूरदर्शन चलता था, हमको अशोका होटल में, हमारी टीम को रुकवाया गया था दिल्ली की, तो अशोका होटल के जब मैं जाके जीतने के बाद मैं गया, तो मेरे को यूं डांस करते हुए दिखाया, क्योंकि जीतने के बाद मैंने भंगड़ा पाया था। तो आज भी मुझे याद है कि जो दूरदर्शन पे चलता था, और वो सीन मेरे को आज भी याद है, और उसमें बताया कि भारत के कृपा शंकर ने 43 वेट कैटेगरी में ईरान के केडी मोहम्मद को 8-1 अंक से हराकर भारत की झोली में स्वर्ण पदक डाला, इस तरह उन्होंने जो बोला, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो वहां से फिर मेरे शुरुआत की है, ये मेरा पहला मुकाबला था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल से शुरुआत की। सर, और वहां से शुरू करके अब इतने इतने सालों हो गएंगे, बरसों गुजर गए, लेकिन अभी 2019 में भी आपने वेटरन्स में एक जो है ब्रोंज मेडल जीता, तो वो सर इतना बड़ा गैप फिटनेस का आपने कैसे मेंटेन करा सर? बिकॉज स्पोर्ट्समैन की लाइफ जनरली थोड़ी कम होती है, खासकर इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि इंजुरीज बहुत होती है। मैं आपसे बात करूंगा इंजुरीज की भी, क्योंकि हमने एक फोटो भी देखी, आपके हॉस्पिटल में पड़े हैं और ऑपरेशन होने वाला है। तो सर इतना लंबा सफर, उसके पीछे क्या सर वो है राज है? देखिए, बहुत लंबा सफर, यानी कि मैं प्रोफेशनल रेसलर, जो सीनियर लेवल वेट कैटेगरी या सीनियर स्तर पे तो नहीं खेलता हूँ, वेटरन यानी कि बुजुर्गों की कुश्ती, सब 35 साल से प्रोफेशनल वो लेवल है तो सर। कुश्ती आप बुजुर्ग वर्ड गलत यूज कर रहे हो सर। नहीं, मैं देखो मनोबल बढ़ा रहा हूँ कि मैं बुजुर्ग होने के बाद भी कुश्ती कर सकता हूँ और फिट है और बुजुर्ग दिखता नहीं हूँ, तो उसका राज यही है कि, ले नहीं लिया सर, कंटिन्यूटी मस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप भी बड़े फिट हो, मैंने आपका वीडियोस देखा, और आपकी जो स्टाइल है बोलने का, एंकरिंग करने का, तो ये जब सर। ही ये प्रतिभा जब ही आती है जब आप में कॉन्फिडेंस लेवल एक स्पोर्ट्समैन का होता है, और आप खिलाड़ी खुद हैं, शुक्रिया और आप खुद, आपका जो है काफी खेलों से नाता रहा है, तो खेल खेलते रहना है, क्यों शुरू से आखिरी तक, क्योंकि खेल हमें अनुशासन सिखा देता है, खान पान से लेके गहरी नींद लेना तक और रिकवरी करना, तो आधा डॉक्टर बन जाता है एक खिलाड़ी, अपने सारे अस्थि पंजरों को समझने लगता है कि कितनी चोट लगी है, उसको कैसे ट्रीटमेंट देना है और कैसे ठीक करना है, वापस गाड़ी पटरी पे कैसे आएगी। कई बार मायूसी हाथ लगती है, तो उन मायूसी से भी आगे निकलने का प्रयास करता है खिलाड़ी। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम आजकल देख रहे हैं, बड़े बड़े अभिनेता, फिल्म स्टार और DGP, SP आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन खिलाड़ियों का कभी हमने नहीं सोचा होगा कि कोई आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन नहीं कि कभी किसी ने आत्महत्या कर ली हो। तो वो इसलिए है क्योंकि वो खेल बचपन से खेलता है, हारता है, और फिर हारने के बाद फिर जीतने का प्रयास करता है, और यही लक्षण उसको एक सांसारिक जीवन में आजीवन काम आता है। वो अगर हताश होता है
लेकिन उस हताशा से निकलने के लिए, निजात पाने के लिए और आगे बढ़ने के प्रयत्न करता है। इसीलिए खिलाड़ी जो होता है वो इस तरह के कदम नहीं उठाता है। तो मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति को, हर विद्यार्थी को खेल से जुड़ना चाहिए। सर आपने सही बोला, जब अपने को टेंशन ज्यादा होता है तो या तो 10 किलोमीटर दौड़ने निकल जाते हैं, मेरे ख्याल से आप 100-200 पसीना निकाल लोगे, ठीक हो जाएगा सब। अपने आप टेंशन पसीने में बाहर हो जाएगा। सर लॉकडाउन में पसीना आपको निकाल दिया। हाँ जी, सर ये अभी जो जो बीच में लॉकडाउन रहा उस समय तो आप कोई मतलब इस समय शेड्यूल आपका कैसा मेंटेन करा आपने सर, उस समय देखिए, फिटनेस लॉक मेंटेन करी? लॉकडाउन रहा, इसमें मेरे पिताजी को जो है ना ब्रेन हेमरेज हुआ था, तो अभी वो बेड पर है, उनकी फिजियोथेरेपी करता हूं मैं। और इसके अलावा पौष्टिक आहार लेता हूँ जिससे कि मेरी इम्यूनिटी अच्छी रहे, और सबसे अच्छा वर्कआउट करता हूँ। दो टाइम नहीं पर एक टाइम जरूर मैं पसीना निकालता हूँ, कई बार निकालता हूँ। ऐसा प्रतिबद्ध नहीं है कि निकालना ही है या ट्रेनिंग करनी है, लेकिन वर्कआउट इतना कर लेता हूँ कि एक अभ्यास हो जाता है। सर एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, जैसे अभी बीच में आपने वेटरन शब्द यूज करा था सर, बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत एक्टिव स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं एक समय तक, लेकिन उसके बाद एक समय पे आने के बाद रूटीन लाइफस्टाइल में और इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं तो सब चीजों से उनको लगता है अब हमारी उम्र नहीं रही खेलने की, तो सर आप क्या बोलना चाहेंगे उनकी फिटनेस के लिए क्या करें? देखिए, ऐसा है, वो जो हमारे पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, मन के जीते जी और मन के हारे हार, वो एक देशी शब्द में, ऐसे देशी भाषा में बोल देते थे, मन के जीते जी मन के हारे हार। ये साइकोलॉजी है। अगर आप अभी से बूढ़ा मान लो, चाहे 25 साल के भी हो तो आप फिर बूढ़े ही हो। करेक्ट तो ये मनोवैज्ञानिक रूप से आप अपने आप को किस तरह से पेश करते हैं। आप देखो, जिस दिन आप शेविंग कर लेंगे, जैसे मैंने आज कर ली, मेरे सफेद बाल हैं, लेकिन शेविंग कर ली तो मेरे को महसूस हो रहा मैं जवान हूं, और मैं यहाँ पे बुरा सा सुगड़ा सा मुंह लेके बैठ जाता तो मेरे खुद को भी अच्छा फील नहीं होता, और देखने वाले को बोलते किसको पकड़ रहा है। तो ये अपने आप को आ, आ, मानसिक दृष्टि से देखना, शीशे में देखना, वर्कआउट करना, क्योंकि अगर वर्कआउट नहीं होता है तो आप, है ना, सबसे अच्छा तरीका आप शीशे के आगे ट्रेनिंग करें और उसके आगे मसल बनाए और थोड़ा वर्कआउट करेंगे तो निश्चित रूप से। और ये कहते हैं जो लोग कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो सब बकवास है। टाइम निकल जाती है सारी चीजें। अगर आपको रोटी खाने का टाइम है, आपको सोने का टाइम है, तो ये भी एक उसी से संबंधित वर्कआउट है, जो कि आपको इसको दैनिक आपकी जो दिनचर्या है उसके साथ जोड़ना चाहिए। सर उस समय कॉमनवेल्थ और ओलंपिक्स के टाइम जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे तब आपका शेड्यूल क्या होता था? बच्चों के बहुत सारे सवाल आए कि सर उस समय क्या रूटीन हुआ करते थे सर के? उस समय सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और कुछ भी नहीं ना, एक सन्यासी जीवन होता है। घर जाने को कई सालों तक नहीं मिल पाता था, कई महीनों तक नहीं जा पाते। आजकल तो चलो फोन और ये व्हाट्सएप कॉलिंग और ये वीडियो कॉलिंग ये सब हो गया है, तो ऐसा लगता ही नहीं है, लेकिन बहुत सन्यासी जीवन जीना पड़ता है खिलाड़ी को। सुबह, दोपहर और शाम, तीनों टाइम ट्रेनिंग करना पड़ता है। एक संतुलित आहार का ख्याल रखना पड़ता है कि डाइट किस तरह की होनी चाहिए खिलाड़ी की, उसका भी ध्यान रखना पड़ता था। उसके साथ हमारे डाइटिशियन होते थे, मसाजर होते हैं टीम के साथ में, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, कोच होते हैं, तो ये डॉक्टर होते हैं, तो ये पूरी टीम होती है, तो इन सब की मदद लेते हैं। और वो जब मिलता है, जब आप नेशनल कैंप में चले जाते हो तो वहां पे फैसिलिटी अच्छी, और नेशनल कैंप में जाने से पहले आप अपने स्तर से ही आपको अच्छा होना पड़ता है। आपका सबसे फेवरेट वाला दांव कौन सा था जो आपको लगता था कि ये और कोई सा दांव नहीं लगे तो ये दांव तो मार ही दूंगा मैं? मैं मारता था अपना खेमे, गर्दन पकड़ के और खुद रिक्स पीठ की तरफ, डेंजर पोजीशन में जाके। हाँ तरफ से मारते थे। जी, तो सर वो दांव हमें आप मतलब सक्सेस रहे बहुत समय। बहुत समय और काफी अच्छा तरीके से मारता था, और आखिरी के कुछ सेकंडों में कुश्ती की दिशा और दशा परिवर्तित कर दी। मैंने ऐसी कई कुश्ती मेरे जहन में है, और बड़े स्तर पर जहां पर मैं हार रहा हूं और आखिरी के 5-7 सेकंड में वो स्थिति ऐसी कोई आती है और कुश्ती मैं के कर बारे में देता बताएं हूं। हमें सर, ऐसी कोई कुश्ती बताएं जहां हार रहे हैं सबने उम्मीद छोड़ दी है लेकिन आखिरी में आपने देखिए, जी। जी, मैं बताता हूं आपको। एक कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा था केपटाउन साउथ अफ्रीका में, 2005 की बात है, और जब 55 किलो में, फ्री स्टाइल का पहलवान हूं, लेकिन ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल की दो तरह की कुश्ती होती है। मैं इनमें फर्क एक्सपर्ट क्या जो होता हूं, है सर, एक चीज छोटा सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इनमें फर्क क्या होता है? नाम सुने पर कभी फर्क नहीं पता पड़ा सर इनमें। फ्री स्टाइल में आप पैरों को भी पकड़ सकते हैं, हाथों को, गर्दन को, या ना पूरे फ्री हैं, यानी कहीं से भी फ्री पकड़ रहते हैं सकते आप? हैं।
वो ग्रीको रोमन में आपके कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं कि भाई आप कमर से ऊपर ऊपर ही ग्रिप ले सकते हैं, पैरों का होल्ड नहीं ले सकते हैं, पैरों में ग्रिप नहीं ले सकते हैं। अगर करोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अगर एक या दो बार आपने किया लेग लेग अटैक या लेग को पकड़ने का या होल्ड करने का, तो ग्रीको रोमन का मैं खिलाड़ी नहीं हूं, लेकिन है तो कुश्ती ही, बाकी नियम कायदे कानून तकरीबन सेम है, लेकिन लड़ने की पोजीशन अलग अलग होती। फ्री स्टाइल झुक के लड़ते हैं ताकि मेरे पैरों को ना पकड़ सके और मैं पैरों को पकड़ लूं अगले के और गिरा दूं, और ग्रीको रोमन में खड़े होकर लड़ते हैं सीधे कमर सीधी करके। तो दोनों कुश्तियों में ये अंतर है, और पैरों को नहीं पकड़ना होता ग्रीको रोमन में। फ्री स्टाइल का मैं चैंपियन हूँ। तो जहां 2005 केपटाउन में जब, हाँ जी बोलिए सर। हाँ जी, वही पूछ रहा था मैं, तो आप बता रहे थे 2005 केपटाउन वाली उसका। हाँ, केपटाउन में जब आयोजन हो रहा था, तो मैंने फ्री स्टाइल के अंदर गोल्ड मेडल जीत लिया। फिर ग्रीको रोमन अगले दिन से शुरुआत होनी थी, तो भारतीय कुश्ती संघ से आया कि दो दो पार्टिसिपेशन भाग लेने, दो दो पहलवान। तो हमको भी आदेश दिए गए कि जो फ्री स्टाइल के हमारी टीम गई नहीं थी दो, तो फ्री स्टाइल के पहलवान जो हैं उन्हीं को ग्रीको में भी वजन दिलवाओ, ड्रोज निकलवाओ और पार्टिसिपेशन करवाओ, ये आदेश हुआ। तो कोच ने कहा कि भाई फ्री स्टाइल के जितने पहलवान हैं सभी इसमें भाग लेंगे। मैंने मना कर दिया, मैंने बोला जी मेरी जो कुश्ती नहीं है, इवेंट नहीं। बोले कोई नहीं, वजन वजन देना है। कोच ने कहा वजन वजन दो, आप खेलना अच्छा, नहीं है, आप वॉकओवर दे देना। वजन इसलिए देना वजन है, वजन इसलिए देना है ताकि पेनल्टी ना लगे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर कि हमने पार्टिसिपेशन करवाया है। दो। तो हाँ, तो फिर मैंने वजन दिया। वजन देने के बाद में हमारे रेंडम ड्रॉ होते हैं, यानी कि थैले में से नंबर निकालते हैं और उसके हिसाब से ग्रुप बनते हैं। तो मेरे ग्रुप में अपना स्कॉटलैंड, पाकिस्तान और ऐसा एक एक देश और था, ऐसे दो तीन देश मेरे उस ग्रुप में आ गए। तो रात को मेरा मन कर गया कि यार ये तो कुश्ती में इतने अच्छे कंट्री है नहीं, वो क्यों ना मैं खेली जाऊं। और एक जो नाइजीरियन था, कैनेडियन था, वे ओलंपिक लेवल के खिलाड़ी थे, नाइजीरियन ओलंपिक मेडलिस्ट था, तो वो दूसरे ग्रुप में थे। और एक हमारा ओलंपियन पहलवान भारत का मुकेश खत्री, वो भी दूसरे ग्रुप में था। तो जब ये स्थिति पैदा हुई तो मैंने मन बना लिया कि मैं खेलूंगा। तो अच्छा, कोच सुबह मिले, हरियाणा के कोच थे, तो उन्होंने बोला बेटे खेलना है, तो मैंने बोला जी खेलूंगा मैं। तो खेला और बहुत अच्छा खेला और मैं फाइनल में पहुंच गया। फाइनल में नाइजीरियन रेसलर, हमारे ओलंपियन मुकेश खत्री को भी उसने हरा लिया था, और जी, इसके अलावा इंग्लैंड का जो ओलंपियन था उसको भी उसने हराया, और वो ओके, फाइनल में आया क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट रेसलर था, बिल्कुल बाल सर पे नहीं थे, काला था बिल्कुल ही। और मैंने बोला चलो। तो कोच ने मेरे आगे फोन किया, जैसे 3 घंटे का ब्रेक होता है फाइनल से पहले, तो कोच भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष को फोन करके बोल रहे हैं, बोले जी कमाल हो गया, कृपा तो फाइनल में पहुंच गया, सिल्वर मेडल तो पक्का हो गया उसका। और मैं कोच साहब की तरफ देख रहा हूं कि अब एक ही तो कुश्ती लड़नी है और कुश्ती में कुछ भी हो तो सकता बची है। मैंने बोला कि कम से कम, मैंने कोच साहब आप सिल्वर का बोल रहे हो, मैं सोच रहा हूं मैं गोल्ड के लिए खेलूं। बोले बेटे खेलेगा। कोच बड़ा खुश हुआ, उसने बोला बहुत अच्छी बात है, मैं तो इसलिए बोल रहा हूं था कि भाई तू खेलेगा नहीं, इसलिए प्रेसिडेंट को बोला कि जी सिल्वर पक्का। जब कुश्ती मुकाबला शुरू हुआ सर। तो उसने 5 अंक मेरे पे ले लिए, वो बहुत आसानी से, जैसे एक शेर बिल्ली के बच्चे से खेलता ना, धीरे धीरे इस तरह खेल रहा था, और मैं पूरा प्रयास कर रहा था। तो उसने गलती ये कर दी कि मुझे बिल्ली का बच्चा समझ लिया, अच्छा और मैंने एक एक करके 3 अंक अर्जित किए और जी, उसके 5 मेरे, 3, फाइव हाँ 5-3 का स्कोर था। और वहां पर बड़ा, यानी कि दुविधा थी, और मैंने खेलते खेलते इलेक्ट्रिक स्कोर बोर्ड की तरफ मैंने देखा तो 5-3 का स्कोर है और 10 सेकंड मात्र शेष बचे हैं। थ्री। 10 सेकंड यानी 10 गिनती गिनते हैं। तो मैंने सोचा कि यार हार तो गया हूं, कम से कम मैं कुछ गलत कुश्ती का ही प्रदर्शन करूं, यानी कि कम से कम इसके थप्पड़ी मार लूं या इसको चिढ़ाऊं, कुछ तो करूं गड़बड़ा। तो हालांकि ये कुश्ती में अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने खुला हाथ मारा, यानी यूं मारा उसके, यूं चट दिन से पड़ा। तो वो और गुस्से में आवेश में आया और मेरे चिपट गया। रेफरी विसिल बजाता कि भाई फाउल है, मेरे को वार्निंग देने के लिए, उससे पहले वो मेरे से चिपट गया। और जैसे ही चिपटा, मैंने उसकी गर्दन और हाथ को पकड़ के हवा में घुमाते हुए पीठ की तरफ गिराया। यानी स्टैंडिंग अच्छा, स्टैंडिंग पोजीशन से अगर कोई पहलवान विपक्षी को डायरेक्ट पीठ की तरफ गिरा देता तो उस समय 3 अंक मिलते थे। बहुत बड़ी बात है। और वो जैसे ही 3 अंक मिले, वो इलेक्ट्रिक स्कोरबोर्ड बोला टॉ, स्कोर हो गया 5 और 6, और
और गलती से गोल्ड मेडल जीत गया। कई बार ऐसा ऐतिहासिक उपलब्धि मिल जाती है जो आज मेरे को। आखिरी में इतनी आपने हिम्मत रखी और आखिरी में मतलब 10 सेकंड सर इसमें मैं बोलूंगा प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे जरूरी था आपका। वो जरूरी है, तो कुश्ती गलत तरीके से नहीं खेलना चाहिए, लेकिन मैंने वहां पे इस तरह का प्रदर्शन किया भी और जो भी था उन्होंने, और गोल्ड मेडल जीतने के बाद में रेल मंत्रालय ने मेरे को इंडिया में आते ही लालू यादव जी रेल मंत्री थे, उन्होंने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया। सर बहुत अच्छे सर, रेलवे से आपका जुड़ाव कैसे रहा सर? रेलवे में भी आप जुड़े, तो रेलवे से जुड़ाव सर कब से रहा आपका, कब और मतलब उसके बारे में सर? मैं 1994 कॉमनवेल्थ गेम्स में, मैंने जो विक्टोरिया कनाडा में हुए थे 1994 कॉमनवेल्थ गेम्स, वहां पे मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 52 किलो वेट कैटेगरी में फ्री स्टाइल वर्ग में। और जब मैं भारत आया तो मेरे को हर डिपार्टमेंट से ऑफर था, कहीं सब इंस्पेक्टर का, कहीं इंस्पेक्टर का, पंजाब पुलिस, BSF, CISF, CRPF, और ऐसे ही रेलवे ने भी हमको, मेरे को बोला था कि आपको है ना हम सीनियर TC देंगे। तो सारा निष्कर्षण निकालने के बाद में वो बच्चों को रहता है ना कि यार यहाँ तो इंदौर में ही दे रहे हैं, ये घर की घर में है, और पुलिस पंजाब पुलिस में जाके मैं वहां कहाँ भर्ती होऊंगा। तो फिर मुझे रेलवे ही सबसे बेहतर लगा क्योंकि अच्छा डिपार्टमेंट है और रेलवे बहुत प्रोत्साहित करता है, खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका देता है। सर, तो फिर मैंने तब आप रेलवे से जुड़े सर 1990 नौकरी पाने के लिए कई बार स्पोर्ट्स की तरफ रहता है सर, आपका इस बारे में क्या वो निकलता है? देखिए, नौकरी पाने के लिए स्पोर्ट्स करते हैं खिलाड़ी, और निश्चित रूप से अगर खिलाड़ियों को सही उम्र में नौकरी मिल जाती है तो फिर बहुत सारे खिलाड़ी नौकरी में लग जाते हैं, अपना खेल छोड़ देते हैं, वो गलत है। अगर नौकरी मिली है तो फिर आप नौकरी का फायदा लेते हुए आप और अत्यधिक स्पोर्ट्स करें और उसका यानी पूरा कर्ज अदा करें। आप यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट में लगते हैं तो आप नौकरी लगने के बाद में आपको छोड़ना नहीं चाहिए स्पोर्ट्स, उसमें लगातार आपने आगे बढ़ते रहना चाहिए। सर, आपने इंजुरी से कैसे डील करा? आप इंजुरी, जैसे मैंने बोला था, आपने बोला कि आपने बताया था एक जगह क्लिपिंग में कि अगर एक्टिंग करना हो कुश्ती की तो वो भी बिना इंजुरी के नहीं करी जा सकती, तो सर इंजुरी से कैसे अपने आप को बचा के रखा, क्योंकि कई खिलाड़ियों का करियर इंजुरीज के कारण खत्म हो जाता है। देखिए, चोट जब लगती है, जब आपका तरीका ठीक नहीं होता है, जैसे कुश्ती के अंदर वेट रिड्यूस करना, वजन को कम करना, तो वो तो वजन कम करने से डिहाइड्रेशन भी होता है बॉडी के अंदर, तो ऐसे में हमारी रिएक्शन एबिलिटी प्रभावित हो जाती है, जो ब्रेन से मसल्स को संदेश पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो धूमिल हो जाती है, यानी कि शिथिल पड़ जाती है, ठंडी हो जाती है। तो वहां पर नुकसान होता है कि जब हम विपक्षी पहलवान का पैर पकड़ना चाह रहे हैं, मेरा मन तो जा रहा है पर मेरा तन काम नहीं कर रहा है, कई बार हमें लगता है कि यार आज मेरा शरीर चला नहीं, तो क्या कमी रही, आपने प्रॉपर रिकवरी नहीं हुई, या तो आपकी, और रिकवरी के साधन बहुत सारे हैं कि आपकी प्रॉपर डाइट नहीं है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, एक ट्रेनिंग सेशन से दूसरे ट्रेनिंग सेशन के बीच आपका अच्छा गैप नहीं रहा हो, तो ये बहुत सारे ट्रेनिंग करने के तरीके अच्छे नहीं हो, तो ऐसे बहुत सारे कारण है जो रिकवरी नहीं होना भी चोट का, गंभीर चोट लगने का एक कारण, या ओवरलोड कि आप इतने पागल हो गए हैं कि आप अत्यधिक मेहनत कर रहे हैं, ओवरलोड हो गए हैं, ओवरलोड होने के बाद थकने के बाद भी इंजरीज गंभीर होती है, तो उसके लिए आप प्रॉपर वार्म अप करें कि चोट ना लगे, मानसिक और शारीरिक वार्म अप होता है, आपका ट्रेनिंग करने का मन नहीं करेगा क्योंकि आपका शरीर दुख रहा है, तो आप अपने आप को चाय लें हाथ में पिए और 5 मिनट अपने आप से बात करें, मनोवैज्ञानिक रूप से आप अपने आप को तैयार करें, और फिर धीरे धीरे आप वार्म अप करें, और वार्म अप के बाद स्ट्रेचिंग करें, स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है बिफोर और आफ्टर ट्रेनिंग, अगर खिलाड़ी स्ट्रेचिंग करता है और चाहे ट्रेनिंग कम भी करता है तो उसको बहुत बड़ा फायदा होता है, तो स्ट्रेचिंग करें, और अच्छी ट्रेनिंग कर रहा है फिर तो वो तो चैंपियन ही बनेगा, तो स्ट्रेचिंग हम यानी कि इतना ज्यादा गंभीर नहीं होते हैं स्ट्रेचिंग करने के लिए, जो लचीलापन बढ़ाने के लिए हम ट्रेनिंग करते हैं और चले जाते हैं, तो स्ट्रेचिंग के ऊपर ध्यान दें तो चोट से बचा जा सकता है ज्यादा से ज्यादा। सर, स्टूडेंट्स जो कि जो इंटरेस्टेड है प्रोफेशनल कैरियर में, सर उनको क्या राय देंगे? कई हमारे ऐसे बच्चे हैं जो आपसे जो कुछ पूछेंगे भी सवाल, लेकिन वो अगर कुश्ती को प्रोफेशनल कैरियर बनाना चाहते हैं तो सर उनके लिए क्या राय देंगे मैं यही राय दूंगा कि पहले तो वो अपने आप को इसका आकलन करें कि उनकी उम्र क्या है, वो लड़का है कि लड़की है,
फिर उनके पास में एनवायरमेंट कैसा है, क्या ऐसा माहौल है आसपास उस खेल से संबंधित कि कुश्ती करनी है, तो वो स्तर वाला सेंटर है कि आप जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि शारीरिक संपर्कता वाला खेल है, अच्छे पार्टनरों की जरूरत होती है। अगर आप वर्ल्ड चैंपियनशिप के वर्ल्ड चैंपियन के साथ रोज हाथ पे डाल रहे हैं, धका रहे हैं, खींच रहे हैं, गिर रहे हैं, गिरा रहे हैं, बॉडी सुकड़ा रहे हैं, फैला रहे हैं, तो वो एक अलग तरह का अनुभव होता है उसमें। उसमें आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है और आप एक अपने, तो ये सारी चीजों का ध्यान, तो आ, आ, कई सुल्तान फिल्म देख के गुमराह हो रहे लोग, 25 साल के हैं, बोलते सर हमको अब कुश्ती करनी है और प्रोफेशनल करनी है और ओलंपिक में जाना है, तो संभव नहीं है, क्योंकि आपने सारी उम्र कुश्ती करी नहीं और 25 साल में आप सुल्तान को देख रहे जो प्यार में पागल होके और ओलंपिक जीत गया, वो फिल्म है, वो फिल्म है, वो पागल होके कुश्ती नहीं लड़ी जा सकती अगर सर। आपने कुश्ती करनी है तो फिर आप दंगल देखो कि किस उम्र से शुरुआत होती है और एक ही जुनून होता है और एक ही उसके पीछे, क्योंकि आपने 10वीं तक या 12वीं तक आप स्कूल कभी गए नहीं और अचानक आपका हृदय परिवर्तन हो जाए और आप सोचो कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो वो संभव नहीं है। तो ऐसे ही कुश्ती का बचपन में सीखना, जो हाथ पे डालना, खींचना, धकाना, ये जो टैलेंट है ये बचपन में आ जाता है। आप किसी बच्चे को मोबाइल दे दो तो MMS SMS वो सब घुस जाएगा मोबाइल में अपने आप, और एक मेरी मेरी उम्र वाले आदमी को कोई नई टेक्नोलॉजी वाली चीज दे देंगे तो मेरे को सीखने में टाइम लगेगा, और बुजुर्ग आदमी को देंगे जो 80 साल का होगा वो सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि उस सीखने की जिज्ञासा जो है वो कम हो जाती। तो बचपने से ही उस टैलेंट को सीखा जाता है, स्पीड, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, ये चीजें बढ़ाई जा सकती। आप ताकत भी बढ़ाएंगे तो डाइट के द्वारा बढ़ा सकते, सप्लीमेंट से बढ़ा सकते हैं, आप स्टेमिना बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, ट्रेनिंग सिद्धांतों का पालन करते हुए इन चीजों का बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपका दिमाग तेज चलने लग जाए, आप सही जगह सही काम करने लग जाओ, आप तकनीकी रूप से आप में निपुणता आ जाए, तो उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, उसके लिए कोई डाइट प्रोग्राम नहीं है, वो ट्रेनिंग ही है। और वो कितने समय से आप कितना लंबा पीरियड लगा रहे हो, कितनी तपस्या आपने बचपन से जो की है, तो वो बहुत जरूरी है। तो अगर आप, जी सर बोलिए सर। हाँ, तो आप अगर करना चाहते हैं कोई एक स्पोर्ट, बार हम भी गए तो थे विजय जी, एक बार हम मैं भी ये नहीं, ठाकुर जी के मैं अखाड़े ये गए नहीं, थे सर। ओ वहां उन्होंने सर वो इतनी मिट्टी खुदवाई सर, 2 4 दिन में हौसला परस्त हो गया सर। वो तो रोज फावड़ा दे देते थे कि मिट्टी खोदो मिट्टी खोदो, तो सर हिम्मत हिम्मत जवाब दे गई सर 2 4 5 दिन में। देखो मिट्टी खोदो, ऐसे बहुत सारे पहलवान हैं। मैं मध्य प्रदेश की बात कहता हूं कि मैं जब कुश्ती लड़ना मैंने शुरू की थी तो मैं देखता था कि जो मेरे वेट कैटेगरी में पहलवान आते थे वो दो दो तीन तीन हजार उठा बैठी मार के आते थे, लेकिन वो उठा बैठी ही मारते थे, वो अखाड़ा ही खोद रहे हैं। आप अगर कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, आप जिम कर रहे हो और जिम के बाद में आप, मेन स्पोर्ट्स आपका रेसलिंग है, और जिम के बाद आप कपड़े पहन के घर जाके सो जाओगे, तो आप में वो वजन उठाने की ताकत आई है, अखाड़ा खोदने की ताकत आई है, या उठा बैठी की ताकत आई है। तो उठा बैठी का कोई कंपटीशन होता नहीं है ओलंपिक में, तो उठा बैठी का कंपटीशन जब नहीं होता और हम उठा बैठी के बाद में, हमको रेसलिंग मोमेंट जरूरी है ताकि वो ताकत जो है हमने वर्कआउट जो किया वो डाइवर्ट हो जाए, कुश्ती के अंदर हमको लगाना आए, तो या हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट में वो ताकत लगानी आए, या हम एथलेटिक्स कर रहे हैं तो एथलेटिक्स में लगानी आए। तो ताकत को डाइवर्ट करना ये सबसे बड़ी कला है, वो हम नहीं करते हैं। और वो स्ट्रेचिंग करते रहेंगे और उस तरह के मोमेंट करते रहेंगे। मैं आपको यूक्रेन का एक कहानी बताता हूँ। यूक्रेन जी हमारा कैंप लगा था, जी वहां पे मैं गया तो फर्स्ट डे ही हम गए, तो हम पहले दिन वैसे ही घूमने निकले इंस्टीट्यूशन में, तो वहां पर एक भारी सा मोटा सा आदमी और कम से कम 200 250 किलो यूं उसकी वो मार रहा बेंच प्रेस, और ये मैंने बोला जी बहुत अच्छा। तो मैंने उसके कोच से जाके पूछा, मैंने बोला वेरी गुड, ये तो ओलंपिक में जितना वेट उठाते लगभग उसके नजदीक ही उठा रहा है। वो बोला दिस नॉट ओलंपिक, बोले इसका स्पोर्ट जो है वो ओलंपिक नहीं है, ये जो है वो वेटलिफ्टर नहीं है। मैंने बोला अच्छा फिर, फिर बोले ये वो गोला फेंकते ना डिस्कस, एमर थ्रो, तो वो है, वो डिस्कस थ्रो फेंकता है, एथलेटिक एथलीट है एथलेटिक्स में। तो क्या फिर मैंने बोला अरे तो इतना क्यों उठा रहा है ये, तो बोले कि हाँ देखो। तो फिर मैं बैठे बैठे देखता रहा, उसने वो सारी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद में अपने आप ये मोमेंट करे, उसने कम से कम आधा पौन घंटा ये मोमेंट करे,
ताकि वो जो ताकत है उसको डाइवर्ट किया, उस कोच ने बताया, तो एक दूसरे से सीखने को मिलता है। हम भी वेट ट्रेनिंग करते हैं, जिम करते हैं, फ्री वेट ट्रेनिंग करते हैं, अखाड़ा कूदते हैं, रस्सा चढ़ते हैं, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा होता है, जहां पर अचानक ताकत लगानी पड़ती है। तो इस तरह की ताकत के लिए हम ऐसा प्रयास करते हैं, लेकिन फिर बाद में फिनिशिंग हम रेसलिंग से करते हैं थोड़ा बहुत मूवमेंट करके, ताकि वो हमको उसमें लगानी आ जाए। तो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी बात बोली आपने सभी स्पोर्ट्समैन के लिए। आपने सही बोला सर, डाइवर्ट हो जाते हैं। अगर जिम कर रहे हैं तो जिम पे इतना ध्यान दे रहे हैं कि अपना मेन एरिया मिस कर देते हैं। आपने ये बात सर सही बोली, कंक्लूड उसको अपने स्पोर्ट से करना पड़ेगा। मैं तो जिम वालों को भी एक वो देना चाहूंगा सुझाव कि आप जिम करो, लेकिन जिम करने के बाद आपकी बॉडी यूं हो जाए और आप खड़े के खड़े यूं पलट रहे हो, तो वो आगे आगे एज होने के बाद में आपके लिए जिम करने के बाद में आप स्ट्रेचिंग जरूर करो। आप फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी, आपकी लचीली बॉडी रहेगी तो उसकी मियाद ज्यादा रहेगी, उसकी एज ज्यादा रहेगी। लचीलापन बॉडी में होना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग स्ट्रेचिंग पे इसीलिए मैं ध्यान दे ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूँ कि आप लचीलापन अपनी बॉडी में बनाए रखें। योगा का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी में? क्या योगा को इंक्लूड किया जा सकता है हफ्ते में एक बार दो बार? करते हैं हम योगा, योगा हम जो प्रोफेशनल रेसलर है नेशनल कैंप में योगा की हमारी क्लासेस लगती है, रोज रोज नहीं लगती है लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन लगती रहती है, जिससे कि मानसिक शांति मिलती है, रिकवरी में बहुत अच्छा साधक होता है। और हम जब ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, हमारे ब्लड में जा रहा है, रिकवरी उससे बहुत अच्छी होती है, ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ती है, लेंस में जहां आदान प्रदान होता है हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऐसे छोटी छोटी जगहों पर भी ऑक्सीजन पहुंचता है, इन छोटी छोटी मसल्स में भी, और जहां पर कभी एक आम आदमी के नहीं पहुंचता है तो खिलाड़ी के पहुंचता है, इसीलिए उसमें शारीरिक क्षमताएं उसकी बढ़ जाती है। सर एक छोटा सा सवाल हो सर, ये चीज बहुत देखी आपने अभी बोला शारीरिक बल के बारे में, लेकिन सर मेंटल स्ट्रेंथ जैसे वो आपने अपने फाइनल में बताया, जब आपने लास्ट 10 सेकंड बचे थे तो हिम्मत नहीं हारी, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हुए उस पहलवान को आपने जो पटकी दी, सर मेंटल स्ट्रेंथ का सर इस बारे में कितना इन्वॉल्वमेंट होता है सर आपकी कुश्ती जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ वाले गेम में? सर तो फिजिकल नहीं, हर जगह मेंटल आपका, यानी कि हर जगह आपको, कई जगह आपको, अब मैं तो कई बार ये समझता हूँ कि ये तुक्का बैठ गया मेरा, लेकिन क्या है कि आपने प्रयास तो किया ना, कुछ भी उल्टा सीधा किया तो वो गोल्ड मेडल तो जीता ही है। तो बहुत जरूरी है आखिरी तक हार नहीं मानना, नहीं तो आपने देखा होगा कि अब 10 सेकंड बचे हैं तो बॉडी और मानसिक और बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है कि इसने हार मान लिया, अब इसके बस की बात नहीं। लेकिन 1 सेकंड भी बचा है और आप पास दे रहे हो और गोल हुए हैं वर्ल्ड कप में, आपने देखा होगा फुटबॉल में हर 2-4-5 सेकंड में भी, उस पोल से उस पोल में गोल हो रहा है 2 सेकंड में, तो आप इससे समझ सकते हैं कि हार नहीं मानना चाहिए आदमी ने, और हार भी गए तो हारने के बाद जीतने का प्रयास करो। तो खेल को खेल की तरह, स्पोर्ट्स की तरह रहे लेना चाहिए। सर एक सवाल है, गीता और बबीता फोकट फिल्मों में भी थी और असली लाइफ में भी आपने उन लोगों के साथ ट्रेनिंग करी है, तो सर रियल लाइफ की गीता बबीता फोगट का और फिल्मी गीता बबीता फोगट की ट्रेनिंग इंटेंसिटी का क्या फर्क था और उनकी साइकोलॉजी का क्या फर्क पाया सर आप? देखो असली गीता बबीता उनके तो ऐसे कान टूट रहे हैं मेहनत कर करके, जैसे मेरे टूट रहे हैं ये कान, उनके ज्यादा टूट रहे हैं, मेरे तो कम है, किसी के नरम होते तो कम टूटते हैं, कड़क होते तो ज्यादा वैसे लगते हैं, तो ये तो गहने हैं कुश्ती में, और कान टूटते तो अच्छे भी लगते हैं। अब गीता बबीता भी सारी दुनिया को अच्छी लग रही है, वैसे कान टूटी हुई है, तो उनके आने से क्रांति तो आई है देश के अंदर, और उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम और अभिनेत्रियां जो फातिमा सना शेख, सानिया मल्होत्रा, जायरा वसीम और सुहानी भटनागर, जो छोटी गीता बबीता और बड़ी गीता बबीता का जिन्होंने रोल किया है, इनका चयन किया है, और चयन करने के बाद उनका जब ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ था, पहले हमने उनका फिटनेस लेवल बढ़ाया, यानी कि सेम प्रोग्राम था, इधर ओलंपिक की तैयारी चल रही थी, उधर उनकी दंगल की तैयारी चल रही थी फिल्म की, तो इंटेंसिटी हमने कम रखी, यानी कि वे अभिनेत्रियां थी, चोटिल ना हो, उनका फिटनेस लेवल वो नहीं था जो गीता बबीता असली है, तो उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम और इनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन था वो सब कुश्ती के अनुसार, यानी कुश्ती का ही शेड्यूल जो हम नेशनल कैंप में फॉलो करते हैं, और एक पीरियडाइजेशन हमने तय किया था, बनाया था कि जब
इनको परफॉर्म करना हो जब इनकी परफॉर्मेंस पीक पर रहे, तो ये बहुत जरूरी है कोचिज को, पहलवानों को ध्यान में रखना कि कब आप पीक पे जाते हो, क्योंकि साल भर खिलाड़ी पीक पर नहीं होता। हाँ, तो आप पीक पर जाएं तो उसके पहले छोटे छोटे गोल अचीव करने पड़ते हैं, आपको एक टारगेट फिक्स करना पड़ता है कि आपका वजन कब है और किस तारीख को आपकी कुश्ती है और कितने महीने पहले से आप किस तरह ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, वेट को कैसे रिड्यूस करते जाएंगे, तो ये सारा एक मैथमेटिक्स है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो सर, फर्स्ट टाइम जब आमिर खान जी ने आपसे कांटेक्ट करा तो आपका रिएक्शन क्या था? लाइक आप क्या सर, फिल्मी दुनिया इन सब से अलग रहे, आप अपने आपकी दुनिया अलग थी स्पोर्ट्स की, पर जब पहली बार संपर्क हुआ तो आपका पहला रिएक्शन क्या था कि यार फिल्मों में मैं मतलब कैसे वो करूंगा एडजस्ट? देखिए सुभाष जी, मैं जैसे आप जैसे भाई हैं, आपस में अपन एक दूसरे से मजाक कर लेते हैं, ऐसे ही आमिर खान प्रोडक्शन से मेरे पास में फोन आया था, मिस्टर राव का, मैं नेशनल टीम का कोच था लखनऊ के अंदर, ओलंपिक की हमारी तैयारी चल रही थी, ओलंपिक में एक साल से भी थोड़ा ज्यादा समय था, तो उन्होंने बोला कि सर मैं आमिर खान प्रोडक्शन से बोल रहा हूँ और आमिर जी आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैंने बोला उनको बिठाओ मैं आया, क्योंकि हम मजाक कर लेते थे ऐसे मजाक, और ये बहुत जरूरी है मजाक, जीवन जीने के लिए आप मजाक नहीं करते हैं सीधे, हमेशा टेंस में रहे, हमेशा यूं रहे, वो ठीक नहीं है। तो मजा, तो पहले मैंने बोला कोई मजाक कर रहा, तो काट दिया फोन। फिर एक सप्ताह बाद पुनः उन्होंने फोन किया, बोले सर फोन काटना मत, मैं मिस्टर राव बोल रहा हूँ, उन्होंने फिर ना लैंडलाइन नंबर से किया, तो मेरे को पता चल गया कि 022 फिर 22 इस तरफ नंबर था, मैंने बोला भाई ये तो मुंबई का ही है और ये कोई असली आदमी कर रहा, तो फिर मेरी बात हुई, बोले आमिर जी आपसे मिलना चाहते हैं सर, आप दे दिए आप विमल टीवी और वो एक इसी कोई फिल्म बन रही, जब मेरे को पता चला कि दंगल के लिए कुछ काम चल रहा है, तो फिर एक तय किया गया, मैंने बोला कि मैं अभी तो आ नहीं सकता, मेरी ट्रायल है, मैं संडे को ही आ सकता हूँ, फिर अगले संडे को नहीं आ सकता, इस तरह तय किया गया, फिर मैं हिसार गया था अगले संडे से अगले संडे, इस तरह एक महीने बाद उनको मैंने मेरा मेरे को टाइम मिला, तो मैंने जो संडे था उन्होंने फिर दिल्ली से मेरे को लिया और उन्होंने वापस मेरे को लखनऊ छोड़ा सेम डे, तो 5-7 घंटे। आमिर खान से मिलने का कैसा रहा आपका? हम पर्दे पे देखते हैं रुपेले, लेकिन जब आपका पहली बार मुलाकात हुई आमिर खान साहब से तो कैसा लगा? देखिये आमिर जी बहुत ही नेक इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है, जब मिला, क्योंकि हम तो ये जो फेसबुक और ये न्यूज आती रहती है दुनिया भर की, तो वो सब बकवास होती है, हमारे युवाओं को उन पे ध्यान भी नहीं देना चाहिए, उनको अपना खुद का आकलन करना चाहिए हर बात के लिए। तो आमिर जी जो है बहुत ही अच्छे इंसान है, वो जब बैठे बात करी, उन्होंने समझा इस बात को, और मैं जब वहां गया तो उन्होंने 14-15 लोग थे वे टोटल, जिसमें नितेश तिवारी जी थे जो राइटर थे, डायरेक्टर, आमिर खान, लाइटमैन, गनमैन, यानी हर डिपार्टमेंट के अलग अलग बेस्ट लोग थे, और उनके क्वेश्चन भी यानी कि कुश्ती से संबंधित, उन्होंने रूल बुक पढ़ ली थी इतने दिनों में, कुश्ती को समझ लिया था, लेकिन ऐसा समझा था जैसे कि एक केरला का आदमी हिंदी बोलता है ना, तो हाँ इस तरह का था, तो मैं उनका सुधार करते जा रहा था, क्योंकि कुश्ती में हमने सारा जीवन लगाया, तो कुश्ती के लिए अगर वो लय भी बोलेंगे तो मैं कल तक लय के ऊपर बोल सकता हूँ, तो उनको अच्छा लगा कि कृपा जी जो हैं वो शब्दों के मत, और मैं हिंदी भाषी हूँ तो मध्य प्रदेश का हूँ, तो उसके कारण मेरे को थोड़ी सी प्रायोरिटी ज्यादा मिली और वो मेरे पीछे पड़ गए कि जी आपको करना ही है ये काम। सर फिल्मी साइड में अनुशासन का क्या करा? बिकॉज हम स्पोर्ट्स में तो सर अनुशासन को बहुत बहुत हार्ड रखते हैं, लेकिन फिल्मों में अनुशासन का कैसे आपने मैनेज करा वहां पर? उनकी लाइफ स्टाइल अलग है, और रेसलिंग मैट लगाया हुआ गया था, और उसके अंदर जब ट्रेनिंग करने आए थे आमिर जी के मुंह से मेरे को बांस आई, वो स्मोकिंग और अल्कोहल ले लेते थे, और मैंने सेट के ऊपर भी देखा जब वो बीड़ी क्या वो सिगरेट वो पीने लगते थे बैठ के, तो मैं उनसे दूर जाके बैठता था, तो उनको एक दो बार ऐसा लगा, तो एक बार वो पी के आए तो मेरे को मुंह से बांस आई, तो मैंने उनको समझाया कि आप महावीर फोगाट के रोल में हैं और उस किरदार में आप कर रहे हैं, तो उसकी दिनचर्या आप अपनाएं, क्योंकि वो तो ये चीजें नहीं लेता है सिगरेट विगरेट, क्योंकि रेसलर था और आप उसका किरदार कर रहे हैं तो आपको लेना भी नहीं चाहिए, और एक कोच होने के नाते ये मैट हमारा मंदिर है और इस पे अगर आप आते हैं तो इन चीजों का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं नेशनल टीम का कोच था, मैं तो फिल्मी दुनिया से था नहीं, तो मेरे से रहा ही नहीं गया, मैंने कह दिया, तो उन्होंने बोला कृपा जी सॉरी, और बहुत शालीनता से, और उन्होंने अपनी जेब में से सिगरेट का पैकेट लाइटर निकाला और दौड़ के लाके बोले को दिया, बोले कि आप इसको डस्टबिन में डालो,
मैंने बोला मैं तो नहीं लगाता इनको, तो बोले प्लीज अभी तो आप ले इनको किसी भी तरह ले आप डालो, मैं आपको वचन देता हूँ कि ये मैं जब तक दंगल खत्म ना हो जब तक नहीं पीऊंगा। तो मैंने बोला कि उससे पहले मैंने उनको ये कहा कि भाई, बोला आप मेरे गुरुजी हो, उन्होंने यूं बोला कि आप मेरे गुरुजी हो, वो आते और पैर पड़ते। मैंने बोला पैर मत पड़ो, आप बड़े हो मेरे से उम्र में। वो तभी वो मानते नहीं थे, तो फिर वो पैर पड़ते थे, मैं रोकता था झुक के, तब भी उनको पढ़ने नहीं देता था, वो अचानक पढ़ लेते थे। तो अचानक पढ़ लेते तो फिर पता, फिर मैं बोलता कि क्या करो ये करा करो, तो बोले नहीं नहीं गुरु शिष्य परंपरा होती है। मैंने बोला जब गुरु शिष्य परंपरा होती है तो गुरु दक्षिणा दो, तो बोले कृपा जी बताओ। तो मैंने बोला ये दारू और सिगरेट छोड़ो। वो दौड़ के गए और वो लेके आए और मेरे को दिया, बोले कि मैं आज के बाद दंगल जब तक, मैं आपको झूठा कमेंट्स नहीं करूंगा, दंगल जब तक समाप्त नहीं होती है सिगरेट दारू मांस मच्छी मदिरा इन सब का सेवन नहीं करूंगा। और मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने देखा कि उन्होंने उसका पालन किया, वादा निभाया। सवालों की घड़ी लग गई है, मेरे सवाल ही खत्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास चैट बॉक्स है। सर एक सवाल राजेश पाटीदार सर ने पूछा, फिर मैं और स्टूडेंट से आता हूँ। उनका कहना है किस उम्र में स्पोर्ट्स शुरू करना चाहिए? सर ये एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बिकॉज क्या उम्र सही होती जब बच्चे को हम धीरे से जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की तरफ डाइवर्ट करें? ये गेम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा गेम करना चाहते हो, क्योंकि अगर जिम्नास्टिक की बात करें तो जिम्नास्टिक में आप 25 साल के बाद तो आपका रिटायरमेंट हो जाता है, और कुश्ती के अंदर 25 साल से तो आप ओलंपिक में मेडल जीतना शुरू करते हैं। तो ये डिपेंड करता है गेम टू गेम के ऊपर कि आप किस गेम की शुरुआत करना चाहते हैं। अगर कुश्ती की बात है तो कुश्ती बचपने से ही शुरू हो जाती है, लेकिन इतनी ज्यादा तीव्रता और उठापटक के साथ नहीं होती उन बच्चों की। उनका फिजिकल फिटनेस जैसे डांस हो गया, एरोबिक हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, जो बच्चा 3 साल अगर जिम्नास्टिक कर देता है, 5, 6, 7, 8 इस बीच में वर्ष के बीच में 8-9 साल तक वो अगर जिम्नास्टिक करता है और फिर वो कुश्ती में आता है, तो उसके बहुत अच्छे पहलवान बनने की संभावनाएं होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे आपने बार बार फ्लेक्सिबिलिटी शब्द यूज करा, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है बचपन में, बहुत सारी चीजें डेवलप हो जाती है। हवा में टर्निंग पॉइंट, जैसे कि एक गधे को उछाड़ोगे तो पीठ की तरफ ही आके गिरेगा, बिल्ली को उछालोगे तो बिल्ली को उछालोगे तो बिल्ली ट्विस्ट होके पंजों पे लैंड करेगी। तो ये एबिलिटी एक पहलवान में हो जाती होनी चाहिए कि हवा में, क्योंकि किसी पहलवान ने हवा में भी उछाड़ा तो आप पीठ की तरफ गिरोगे, ज्यादा अंक मिलेंगे विपक्षी को, और आप पेट की तरफ गिरोगे तो अंक कम मिलेंगे, या बच भी सकते हो निकल के कंटिन्यूटी पोजीशन में। तो ये एबिलिटीज जो होती है ना कि कब लगना कब धकना कितनी दूरी कितनी नहीं, तो ये सारा आकलन बचपन से ही आपके जहन में आ जाता है, तो वो ज्यादा अच्छा होता। तो उभरते हमारे स्पोर्ट्समैन है शाहरुख लोहार सर, बीच में वो कर लो, मैं असल में इतनी आपसे इतनी बातें करने की इच्छा मुझे बाद में सर बहुत ज्यादा वो मिलेंगी कि सवाल अगर मैंने नहीं पूछे बच्चों के। तो सर शाहरुख स्टूडेंट है वीजीआई इंदौर का, सर उसका ये पूछना है कि एक रेसलर की जिंदगी में डाइट और ट्रेनिंग का क्या महत्व है? बहुत महत्व है, और सिर्फ एक रेसलर के उसमें ट्रेनिंग और डाइट ही नहीं, उसकी क्योंकि डाइट जो होती है वो रिकवरी भी करती है, जैसा मैंने भी आपको पहले बताया, क्योंकि एक आम आदमी की अपेक्षा एक स्पोर्ट्समैन की डाइट अलग होती है, और फिर डिपेंड करता है कि वो किस खेल से जुड़ा हुआ है, शारीरिक संपर्कता और मसल्स के खेल से जुड़ा हुआ है। एक टेबल टेनिस वाले की डाइट अलग होगी, एक पहलवान की डाइट अलग होगी, शतरंज वाले खिलाड़ी की डाइट अलग होगी। तो कुश्ती के अंदर डाइट का बहुत महत्व है, संतुलित आहार पौष्टिक आहार जरूरी है, क्योंकि एक आम आदमी से जब ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो हमारी ज्यादा कैलोरीज बर्न हो रही है, तो अब उसको लेने के लिए हमारा पेट तो इतना ही बड़ा है ना, तो हमको ज्यादा खाने की जरूरत है, और ज्यादा खाएंगे तो फिर अगला ट्रेनिंग सेशन हम नहीं कर सकते। तो सप्लीमेंट की जरूरत है, फूड सप्लीमेंट, जहाँ पे लोग खिंचवाते हैं, दुखी होते हैं, बोले यार पाउडर खाता है। मैं यहाँ पे प्रतिबंधित मेडिसिन की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि डोप में आती है, लेकिन फूड सप्लीमेंट बहुत जरूरी है, जैसे च्यवनप्राश लोग खाते हैं, एक आम आदमी च्यवनप्राश खाता है, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन के लिए फूड सप्लीमेंट होता है, तो वो नुकसानदेह नहीं होते हैं और उनका सेवन करना बेहद जरूरी है, और वो आपका जो डाइटिशियन है वो आपका चार्ट बनाएगा। तो डाइट बेहद जरूरी है, और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वर्कआउट कितना है, आप लड़का हो कि लड़की हो,
आप किस वेट कैटेगरी के पहलवान हो, आपका स्तर क्या है, कि आप ओलंपियन हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल के हो, आप में फैट परसेंटेज कितना है, मतलब तो ये पूरी बहुत सारी चीजें साइंटिफिक हैं। स्टडी है सर ये पूरी तरह से। हाँ हाँ, वही लोग आगे जा रहे हैं जो आंख मीच के चल रहे हैं, उनका कुछ बढ़ रहा है कुछ घट रहा है, ऐसा हो रहा है। एक क्वेश्चन है सर, जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट, सर बहुत खुशी मिली, खुशी हुई आपसे मिलकर। ग्रुप डायरेक्टर सर है सत्यनारायण सर। सत्यनारायण जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, बहुत खुशी मिली आपको मिलकर। मेरा एक प्रश्न है, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूं तो मैं स्टूडेंट से काफी इंटरेक्ट करता हूं। सब वो कोई स्टूडेंट्स है, कुश्ती खेलते हैं, जिम जाते हैं, वो यहाँ जो स्टूडेंट्स है अभी आजकल वो प्रोटीन लेने लगे, प्रोटीन सप्लीमेंट, तो उसके बारे में आप क्या सोचेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है और स्टूडेंट्स जो ये सब लेते हैं और इनको मसल बिल्ड करना है या उनका जो फिजिक्स फिजिक बिल्ड करना है, तो उसमें आपका क्या क्या टेक है? जी सर, ऐसा है कि अगर प्रोटीन आप ले रहे हैं, क्योंकि आजकल लोगों ने बिजनेस भी बना लिया है, इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसमें प्रतिबंधित मेडिसिन भी मिला के वो देते हैं ताकि उसका जल्दी रिजल्ट आए और आप लोगों के शरीर के ऊपर जल्दी से उसका प्रभाव पड़े और थोड़ी बहुत मसल, और आप भी 10 लोगों को बोलोगे तो उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो सबसे पहले चयन करना बहुत जरूरी है प्रोटीन, यानी कि आप दाल में भी प्रोटीन होता है, सोयाबीन में भी प्रोटीन होता है, जितनी भी छिलके वाली बादाम हो गई या जितने भी छिलके वाली चीज है, यहाँ तक कि मूंगफली, उसके अंदर भी प्रोटीन होता है। तो जितने भी छिलके वाली चीजें हैं उनमें प्रोटीन होता है, तो स्टूडेंट को अलग से प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ओलंपिक की तैयारी कर रहा है उस खिलाड़ी को अलग से भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट्स, भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके, और नाडा और वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, उनके मापदंडों को ध्यान में रखते हुए प्रोटीन सजेस्ट किया जाता है कि भाई कितना प्रोटीन चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि पहलवान किस वेट कैटेगरी का है, जूनियर है कि सीनियर है, लड़का है कि लड़की है, तो वो उस दिशा में हमारी बात जाएगी। तो वो बहुत जरूरी है, अगर स्टूडेंट है मसल्स बनाना चाहता है तो उसको इतनी अत्यधिक मसल्स का इस्तेमाल वो नहीं कर रहा है, वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको एक नॉर्मल डाइट लेनी चाहिए, प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप प्रोटीन लेते भी हैं अच्छा प्रोटीन जो जो कि ठीक ठाक व्यक्ति से ले रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग गलत दुकानें भी चला रहे हैं, तो ठीक व्यक्तियों से अगर आप ले रहे हैं तो उससे नुकसान भी नहीं है, ये मसल्स की डाइट है और हमारी बॉडी ऑलरेडी प्रोटीन बनाती है, जो डाइट खाते हैं प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोर होता है। लेकिन जो खिलाड़ी 45 मिनट से ज्यादा ट्रेनिंग करता है तो वो प्रोटीन भी उसका खत्म होने लगता है बॉडी में, और फिर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। सर एक स्टूडेंट हमारे इंदौर BCS BGI से हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन है मेहुल सदाराव सर, उनका पूछना है कि सर एक आम समय में ट्रेनिंग, एक आम रूटीन में अपने को कितना समय ट्रेनिंग को देना चाहिए, मतलब कितना टाइम ऐसा है जो जो एक 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 मतलब आम छात्र जो है ट्रेनिंग को दे सकता है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को। अच्छा, एक आम आदमी अगर करता है तो कम से कम उसको 1 से 1.5 घंटा ट्रेनिंग करनी चाहिए, और 24 घंटे में एक बार करें। उनका लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों टाइम ट्रेनिंग करें, लेकिन ऐसा वर्कआउट जरूर करें। वो सोचे कि हम तो झाड़ू लगा लेते हैं, घर में पोछा लगा लेते हैं तो हमारा वर्कआउट हो जाता, तो वो नहीं, आप अलग से टाइम दो। जैसे आप रोज खाना खाते हैं तो रोज ट्रेनिंग के लिए आपको टाइम लगाना ही है, चाहे 45 मिनट से तो ज्यादा करना ही करना है, 45 मिनट्स मिनिमम, 45 मिनट्स। मिनिमम 45, और ज्यादा से ज्यादा अगर कंडीशन आपकी अच्छी है, आप किसी किसी दिन रेस्ट पे और ज्यादा मन मचला रहा है करने के लिए, तो 1.5 घंटा कर लो। 1.5 घंटा। सर BGI ग्वालियर से मोहित पूछना चाह रहे हैं सर, हाउ कैन रेसलर लाइक यू सर, आपके जैसा पहलवान बनना हो तो क्या किया जाए उसके लिए? एक्चुअली वो बनना चाहते हैं तो फिर वो अपने बच्चे को बनाएं उसके लिए। हाँ, समय निकल गया आपका कहना। क्योंकि अब है ना, मेरे पास तो ऐसी ऐसी महिलाएं आती है जिनकी बच्चियां होती है छोटी, और वे खुद गीता बबीता बनना चाहती है, बोलती सर हमको ट्रेनिंग करा, हम बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ेंगे।
तो मन मन तो रहता है उनका, क्योंकि गीता बबीता ने जब मेडल जीते हैं और उनके ऊपर फिल्म बनी है, और दंगल बनने के बाद में महिला कुश्ती को लेके क्रांति आ गई है, देश के तमाम इंस्टीट्यूशन में महिलाओं की तादाद बढ़ गई है, और हर माँ चाहती है कि मेरी बेटी गीता बबीता बने। और एक लोगों के मन में जो कुश्ती लड़ने से पहले वो था ना, जैसे हम बोलते हैं आओ फुटबॉल खेलें तो बोले चलो चलो, चलो बैडमिंटन खेलें बोले चलो चलो, वो बोलते थे चलो आओ कुश्ती खेलें तो बोले अरे बाप रे, तो वो अरे बाप रे लोगों के मन से निकल गया है, महिलाएं ज्यादा आ रही है कुश्ती में, अब उनके मन में अरे बाप रे नहीं है, वो कुश्ती पहलवान बनना चाहती है। और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं मेरे संज्ञान में जो जो शौक के तौर पे कुश्ती में आई है और खेलती है दंगल कंपटीशन, उनको ओलंपिक में नहीं जाना है क्योंकि उनकी एज निकल चुकी है, लेकिन उनका शौक है, तो शौकिया तौर पर भी जुड़ते हैं खेल से। तो शौकिया तौर से आपको जुड़ना चाहिए, हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए खेलों से। बिल्कुल सही सर। सब बीजीआई ग्वालियर से जो है हमारे स्टूडेंट प्रियवत सिकरवार पूछना चाहते हैं, रेसलिंग में स्ट्रेंथ और उसके अलावा टेक्निक, इनका दोनों का आपस में किसका अपन वेटेज जो है ज्यादा मान सकते हैं? स्ट्रेंथ, क्योंकि रेसलिंग में बहुत स्ट्रेंथ को माना जाता है कि पहलवानी यानी दमखम का खेल है, तो टेक्निक, क्योंकि दो जैसी कुर्ती देख के सर सवाल आते हैं कि टेक्निक तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। टेक्निक भी इम्पोर्टेंट है, ताकत भी इम्पोर्टेंट है, और हर जगह हर चीज की महत्ता है, अगर कोई चीज कम है कोई चीज ज्यादा है, सभी का तालमेल है। दो तरह के खेल होते हैं, एक साइक्लिक मोमेंट वाले और एक असाइक्लिक मोमेंट। साइक्लिक मोमेंट यानी कि वेट लिफ्टिंग, तो हम जाके उठा रहे हैं वजन तो दूसरा आएगा वो भी वैसे ही उठाएगा, एक मोमेंट है। और एक हो गया असाइक्लिक मोमेंट जहां पर पता नहीं होता, जैसे कुश्ती है तो उसमें पहले से तय नहीं है कि अगला क्या करेगा, यानी कि उसकी स्थिति परिस्थिति को समझते हुए अपनी पोजीशन को निर्मित करना और अपने को अंजाम देना। तो कुश्ती के अंदर असाइक्लिक मोमेंट है कि जो स्थिति निर्मित हो रही है उसमें आपने सोचना है, डिसीजन लेना है और काम करना है, तो डिसीजन लेने की क्षमता भी खिलाड़ी की बढ़ जाती है उसमें। तो ये जो मोमेंट होते हैं उसमें अचानक ताकत लगती है, जैसे वेटलिफ्टिंग है तो उसमें शक्ति का बहुत, अब रेसलिंग है तो रेसलिंग में तकनीक और स्ट्रेंथ दोनों की जरूरत है। टेक्निक के साथ अगर आप टेक्निक कर रहे हैं तो टेक्निक के साथ अगर आप स्ट्रेंथ भी लगा रहे हैं तो और अच्छी तरीके से आप जल्दी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों को जब टेक्निक सिखाते हैं उनमें ताकत नहीं होती है, उनके मोमेंट को परफेक्ट करते हैं, फिर वो मोमेंट परफेक्ट करते करते उनमें ताकत डेवलप होती है और चीजों से ताकत बनाते हैं, जैसे वेट ट्रेनिंग हो गया, जिम हो गया, अपना अखाड़ा खोदना हो गया, रस्सा चढ़ना हो गया, जितनी भी स्ट्रेंथ वर्क है वो करना, और फिर उसके बाद अपने स्पेसिफिक मोमेंट करना स्पेसिफिक खेलों से संबंधित। तो वो इस तरह से उस ताकत को कुश्ती या जो भी खेल है उसमें लगाना आता है, तो इसलिए स्ट्रेंथ की तो बहुत जरूरत है, और ताकत के साथ अगर टेक्निक लगानी आ जाए तो बहुत जरूरी। अच्छा है, कई बार मैंने ऐसे खिलाड़ी भी देखे हैं जो गलत टेक्निक मार रहे हैं, लेकिन वही है करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, ये कर कर कि गलत टेक्निक भी पार हो रही है। मौका आने पर वो गलत टेक्निक से भी जीत रहे कुश्ती। एक होता ना साइंटिफिक तरीका कि भाई किसी वजन को उठाया तो आप दूर शक्ति लगेगी, और पास उसकी सेंटर ग्रेविटी के नजदीक जाओगे तो कम लगेगी, तो वही टेक्निक हो गई। तो टेक्निक आप कैसे लगाते हो, गलत टेक्निक दूर से भी मार रहे हैं तब भी लग रही है, तो इसका मतलब कि आपने मेहनत बहुत ज्यादा कर रखी है। सर सवाल बच्चों के भी कही है, लेकिन हमारी जो है इंदौर ग्वालियर की फैकल्टीज और स्टाफ मेंबर भी जुड़े हैं, तो कोई सवाल अगर आप लोग लेना चाहें तो मैं आपको कुछ जो है एक दो सवाल ले सकते हैं, अगर कोई फैकल्टीज या कोई कोई सवाल पूछना चाहे तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं, समय की कमी है, सर से बात करना खत्म ही नहीं होगा। हमने फोन किया सर को मैंने कल परसों, तो आधे घंटे हम बात ही करते रहे, एक खिलाड़ी की दूसरे खिलाड़ी से बात। तो इसीलिए इसीलिए सर जब आमिर खान के पास गया तो कम से कम उसने 7 घंटे मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो दंगल बनानी थी और इतना शौक था दंगल बनाने का अमीर जी को, तो उन्होंने 7 घंटे तक कुछ ना कुछ पूछते ही रहे, इधर की उधर की, जो कि कुश्ती नहीं जानते वे लोग पूछ रहे थे। अच्छा। तो और कोई सवाल पूछना चाहे आप में से फैकल्टीज, इफ यू वांट टू टेक एनी अदर क्वेश्चन, ओके ये समय है आपके पास। तो बहुत सारे सवाल स्टूडेंट का, वापस से स्टूडेंट का एक दो सवाल जो है मतलब एक दो सवाल और लूंगा फिर मैं। हाँ सर और कोई सवाल?
आदिक सर, राजेश राजेश पाटीदार सर के सर का कोई क्वेश्चन है? राजेश सर, आप आपका कोई सवाल है जो आप पूछना चाह रहे हैं? अभिषेक अभिषेक राजेश अभिषेक राजेश सर को अनम्यूट कर दो, पूछ लेंगे। अभिषेक भाई सर नमस्ते। नमस्कार भाई, राजेश पाटीदार पहलवान। भाई साहब मेरा एक प्रश्न था, मुझसे बच्चे लोग पूछ रहे थे कि एक कोच बनने के लिए क्या क्या अनिवार्यता होती है, और जो एनआईएस कोचिंग होती है जिसके लिए एनआईएस कोच ट्रेन होते हैं, तैयार होते हैं भारत में, जो विभिन्न प्रतियोगिताओं में रेफरी की भूमिका निभाते हैं, तो उन्हें तैयारी के लिए क्या क्या योग्यताएं अनिवार्य है? राजेश भाई, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कोच अलग होता है और रेफरी अलग होता है। जो कोच होगा वही रेफरी हो, ऐसा जरूरी नहीं। रेफरी के लिए ऐसा मापदंड नहीं है। रेफरी जो कुश्ती से संबंधित व्यक्ति कोई नहीं है और कुश्ती के पूरी कानून की किताब पढ़ लेता है और उसका एग्जाम देता है और पास हो जाता है, और उसमें भी कैटेगरी होती है कि अब तो अब एग्जाम होते रहते हैं और आपके प्रैक्टिकल भी होते हैं, कंपटीशन में आपको रेफरीशिप भी करनी होती है, तो वो करने के बाद में आप इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के रेफरी बन जाते हैं। तो रेफरी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप कोच है कि नहीं, लेकिन कोच के लिए जरूर क्राइटेरिया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट्स में और सभी नेशनल फेडरेशन में कि आपको कम से कम डिप्लोमा कोर्स करा हुआ कोचिंग में कोर्स होना चाहिए तो आप कोच है। लेकिन बहुत से कोचिज ऐसे भी हैं रेसलिंग के अंदर, देश के अंदर, जो बहुत अच्छे बड़े पहलवान रहे हैं और जिन्होंने डिप्लोमा नहीं किया लेकिन बहुत अच्छे कोच हैं, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल व्यक्तिगत अनुभव इतना अच्छा है। जैसे मेरे चाचा जी हैं शिवराम पहलवान, तो वो खुद एक बहुत अच्छे, जिन्होंने हमें तैयार किया है। चंदगीराम जी है, पद्मश्री मास्टर चंदगीराम, अर्जुन पुरस्कार, एशिया के गोल्ड मेडलिस्ट, जिन्होंने बहुत पहलवान तैयार किए। गुरु हनुमान जी हैं दिल्ली के, ऐसे बहुत सारे हैं। सतपाल जी हैं जिन्होंने, डिप्लोमा जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट में ऐसी वैकेंसीज निकलती है या आपको नेशनल टीम का कोच बनाया जाता है तो वो चीजें प्राथमिकता रहती है। या तो फिर आप अर्जुन पुरस्कार हो, पद्मश्री हो, ध्यानचंद पुरस्कार हो, तो आपको कोच टीम के साथ लगा देते हैं। तो उसके लिए डिप्लोमा करना जरूरी है, और डिप्लोमा करने के लिए आप कम से कम कुश्ती के खिलाड़ी होने चाहिए, आपके पास नेशनल में पार्टिसिपेशन कम से कम 2 बार होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपकी उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे, आप उसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, जो पटियाला की NSNIS पटियाला की वेबसाइट है, उसमें कोचिंग कोर्स का डालेंगे तो आपको सारे क्राइटेरिया मिल जाएंगे। धन्यवाद भाई साहब। जी सर, और कोई सवाल कोई लेना चाह रहा है, और कोई सवाल कोई पूछना चाह रहा है, हम आगे बढ़े हमारी कड़ी में। सर अभी आगे बढ़ जाइए। ओके सर, सब जरा किसी शायर ने खूब कहा है, तू मेहनत इतनी खामोशी से कर कि तेरी कामयाबी शोर मचा दे। नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट आवर ट्रेजरर मिस गरिमा तोमर मैम टू प्लीज शेयर अ फ्यू वर्ड्स विद अस। आर यू देयर गरिमा मैम? हेलो। हाँ मैम, आ रही है आपकी आवाज। आज कृपा शंकर सर को सुन के मुझे लग रहा है मैं भी कुश्ती स्टार्ट कर दूं। कर सकते हैं, आमिर खान, फातिमा सना शेख कर सकती हैं, तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन ओलंपिक में जाने के लिए नहीं, फिल्म बनाने के लिए जरूर कर सकते हैं। सर बहुत ही मोटिवेटिंग था आज, मतलब आपको पूरे टाइम मैं सुन रही थी। मेरा माय सन वॉज अराउंड, मेरा बेटा भी है, मैं तो चाहूंगी उसको मैं कुश्ती आपके गाइडेंस में स्टार्ट कराऊं, और बहुत अच्छा सेशन था सर, काफी मोटिवेटिंग था। और आज एक खिलाड़ी किस किस पहल से गुजरता है वो आज समझ में आया, तो सर इट वाज सो सो गुड एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर फॉर अस सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। विक्रांत सर हमारे साथ जुड़े हैं क्या? विक्रांत सर ऑन द वे थे कहीं, ऑन द वे थे क्या? विक्रांत सर हमारे साथ है, मेरी आवाज सुन सक रहे हैं विक्रांत सर आप? बिकॉज वो ऑलरेडी खुद स्पोर्ट्समैन भी है, हमारे सेक्रेटरी श्री विक्रांत सर ने भी एक बात कल बड़ी अच्छी बोली, जब मैंने बोला सर आप भी बात कीजिएगा कृपा सर से, तो उन्होंने कहा सर मैं ऑन द वे रहूंगा और जरूर कोशिश करूंगा, और सर मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल स्पोर्ट्स टॉक में ही रहता हूँ, तो अगर मुझे मौका मिलेगा और कहीं आउट ऑफ कवरेज नहीं रहा तो ये अपॉर्चुनिटी मैं मिस जो है जो बिल्कुल नहीं करूंगा।
और शायद विक्रांत सर नहीं, आई डोंट थिंक ही इज देयर। जी जी वो जो है हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर ग्रुप डायरेक्टर, अगर उनका कोई और सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। ग्रुप डायरेक्टर सत्यनारायण सर, अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू सत्यनारायण सर। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, ग्रुप डायरेक्टर सर अनम्यूट योरसेल्फ। आप सुन सक रहे हैं? हाँ सर, आ रही है आवाज, प्लीज सर। या बहुत खुशी हुई कि आपने ये इनिशिएटिव लिया कि टू ब्रिंग द चैंपियन इनटू आवर ग्रुप। तो आई पर्सनली इनवाइट, पोस्ट कोविड के बाद आप इंस्टीट्यूट आइए और हमारे बच्चों को कुश्ती सिखाइए फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। तो कुश्ती इज अ वेरी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, वो काफी ट्रेडिशनल है। तो हिस्टोरिकली इट्स देयर सिंस मेनी मेनी सेंचुरीज, तो उसको हम लोग एंकरेज करने चाहते हैं। प्लस जो शक्ति बढ़ाएं, हाउ टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ इन द स्टूडेंट्स, उसके बारे में भी आप थोड़ा ज्ञान दीजिए। सो इट इज क्योंकि हमारे बच्चों में वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए थोड़ा टेक्निक जरूर है, हम लोगों के पास टेक्निक तो है, बट वी ऑल्सो नीड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का भी जरूरत पड़ता है। तो आप थोड़ा इसके बारे में आप हमें ज्ञान देने से अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। एक बात पक्की है, लॉकडाउन ओपन होते से कृपा सेन को जो है पकड़ के एक बार कॉलेज जरूर लाएंगे और उसके अलावा ग्वालियर भी ले जाएंगे साथ में। थोड़ा समय का इनका टाइट रहता है, लेकिन अब दोस्ती हो गई है सर से, अब ना नहीं बोलेगी। अभी अभी शिशु कुंज इंटरनेशनल स्कूल है, वहां पे भी कुश्ती का हम शुरुआत कर रहे हैं और रेसलिंग मैट भी लिया है, रेसलिंग हॉल उन्होंने बना लिया है। और अभी शुरू होने ही वाला था कि लॉकडाउन शुरू हो गया, नहीं तो वहां पर बच्चों को कुश्ती की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है अभी तक। तो अब ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद में वहां भी कुश्ती का जुनून है और वे लोग कुश्ती के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहां पे भी कुश्ती हो। अगर चाहिए तो जरूर कुश्ती सिखाएंगे, कुश्ती सीखनी चाहिए, जैसे बैडमिंटन खेलते हैं वैसे कुश्ती भी खेलना चाहिए। सर नाउ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू आवर एमडी सर फॉर अ वर्ड ऑफ थैंक्स। रिक्वेस्ट इन तोमर। थैंक यू मसी सर। कृपा सर, आई मीन आई एम लिसनिंग, मैं अभी पिछले 1 घंटे से आपको सुन रहा हूं एंड आई थिंक यू नो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले हम लोगों ने कुछ आई थिंक 100-150 हम लोग वेबिनार्स कर चुके हैं majorly into education mein, engineering field mein, management field mein, alag alag field mein, but this has been the most interesting one, especially due to the sports ke andar hai. And you know, sports gives a kind of discipline jo ek kisi ek vyakti ko, ek bachchon ko jo discipline chahiye hota hai wo sports se hi zyada tar aata hai. Aur main shukrgazar hu Rajesh Patidar sir ka jisne aapka contact humse share kiya, and I think he has been very helpful to us for sharing the contact. And so the session was quite good, and I think I hope this whenever you are free and whenever you are in Indore next time and after COVID basically you come to the campus, aap zarur campus mein aaye, hamara campus bhi dekhen aur bachchon se rubaru ho saken jab bhi aap free hote hain. So thank you very much Masi sir for hosting this wonderful event. Thank you sir. Ek cheez main share karna chahunga, ye idea basically sports webinar junoon ka jo idea sir ka hi tha, Nitin sir ka hi tha, और यही बात हो रही थी हमारी बैठ के, सर ने मुझे बुलाया, यार ये बहुत पढ़ाई लिखाई वाली बहुत ज्यादा हो गई, बच्चों को कितना पढ़ाओगे, और यार आप थोड़ा उनको कुछ एंटरटेन, उनको कुछ रियल लाइफ के बारे में बताओ यार कुछ. तो सर फिर बातें निकली और फिर हमारा ये आया कि क्यों नहीं शुरुआत कुछ इंडियन प्रीटेक्स्ट पे करें, मतलब हम ये नहीं करें कि कोई और स्पोर्ट, क्यों नहीं हमसे जुड़ा हुआ हमारी एरिया बहुत जुड़ा हुआ. और जब हमें आपके बारे में कृपा सर पता पड़ा कि महू से इतने संबंधित, इतने क्लोज है आप, और जो है जब राजेश सर ने बताया तो सर कोई और चीज थी नहीं हमारे पास सर. सर मैं बोलना चाहूंगा सर कि विक्रांत, एज एन विक्रांत में हम लोग सभी स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, वेदर इट इज फुटबॉल, क्रिकेट, रेसलिंग. सो हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स में, जैसे मैंने बताया अगेन, जितने ज्यादा बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं उतने ज्यादा डिसिप्लिन भी होते हैं, और जितने ज्यादा डिसिप्लिन रहते हैं उसका फायदा हमें ही मिलता है. क्योंकि डिसिप्लिन ज्यादा अच्छा रहता है तो पढ़ाई में भी ज्यादा फोकस कर पाते हैं. तो दिस वॉज द रीजन. एंड मसी सर ने और अर्शद सर ने मिलकर काफी इस पर वर्क कर रहे हैं, वी नीड टू प्रमोट दिस. थैंक यू सर. अर्शद सर ने भी बहुत मेहनत करी है सर, आपने जैसी गाइडलाइन दी थी अर्शद सर भी इस बात को लेकर आगे बढ़ गए थे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमां से.
दोस्तों इसी सोच के साथ विदा लेने का समय आ गया, लेकिन वादा है साथ में भरोसा भी है कि जब भी कोई कोई खिलाड़ी शिद्दत से मेहनत करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी। सर का बहुत बहुत शुक्रिया कृपा सर, आप हमारे साथ जुड़े। वंस अगेन सभी डिग्नेटरीज का शुक्रिया। एक बात कहना चाहूंगा, चिरागों को आंखों से महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी और मुसाफिर हैं आप भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, विक्रांत प्रणाम। ओके सर, थैंक यू।